करो एंड बीइंग अ गर्ल, अगर आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो जाएं हाँ, तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, मैंने एक हल्का काम है, इस अकेले को ब्रशिंग करने में कितना टाइम लगता है अभी? इसको लग जाएगा हाफ एन आवर अगर हम सिंपल। ओह माय गॉड, अभी चार बार में चैंपियन बन गया है। चार रिंग, चारों रिंग में सीसी, चारों रिंग में बीओबी। अच्छा, दो दिन के अंदर चैंपियन, दो दिन में डॉग चैंपियन। और ये ट्रॉफी रूम नहीं है, ये ट्रॉफी वाला बेडरूम है, मतलब यहाँ बेड है और प्रॉपर। ओके गाइस, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो अभी लास्ट वीडियो, जो उसने नहीं देखी तो मेक श्योर आई बटन में लास्ट वीडियो आ रही है वो देख लें। वो वीडियो स्पेशली हमने जो है रमन पाजी और उनकी जो वाइफ हमारी भाभी जी हैं उनकी स्टोरी कवर की थी, और साथ ही साथ कैसे डॉग्स ने उनकी यू नो लव स्टोरी बना दी, वो चीज़ हमने थोड़ी सी कवर की थी। तो इस बार जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, भाभी आप बेसिकली कह सकते हैं कि 2000 आई थिंक 12 के करीब डॉग शोज़ में जो है सेंट बर्नार्ड को लेकर जाने लगे थे। सबसे पहले तो है एक लेडी डॉग शोज़ के अंदर डॉग्स लेकर जा रही है, और दूसरी बात कोई छोटी मोटी ब्रीड नहीं, शिह ट्ज़ू नहीं, सेंट बर्नार्ड, दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना स्पेशली उनके डॉग्स दिखाएं, साथ ही साथ सेंट बर्नार्ड लॉन्ग कोट को ग्रूमिंग करने में क्या डिफ़िकल्टीज आती है, साथ ही साथ उसको ब्रीड करने में, रखने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें अभी मैं इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये रहा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेंट बर्नार्ड। कैसे हैं भाभी आप? बहुत बढ़िया। भाभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा पहले तो आपकी स्टोरी के बारे में। ऑलमोस्ट सेंट बर्नार्ड रखते कितने टाइम हो गया? मैं डॉग्स रखते हुए, डॉग्स मैं शुरू से रख रही हूँ बचपन से। पहले पोमेरेनियन रखा, फिर डॉबरमैन रखा, पॉइंटर भी रखे थे, बट 2012 में मेरे को सेंट बर्नार्ड किसी ने गिफ्ट करा था। ओके, तो वो रशियन रेड लाइन में था, तो उसके बाद मैं फिर चंडीगढ़ डॉग शो में गई, वहाँ पे मैंने अमेरिकन सेंट्स देखे, तब मेरे को बहुत ज्यादा प्यार हुआ, समझ आया कि सेंट बर्नार्ड ब्रीड क्या है। तो फिर मैंने वहीं से जिद करके एक डॉग खरीदा था। तो 2013 में मैंने वो पपी खरीदा था, उसका नाम था विराट। अच्छा, बहुत अच्छा था। और उसके बाद में फिर मैंने 13 में ही शो करना स्टार्ट करा। ओके, फिर दो फीमेल्स खरीदी, उसके बाद में उनको ब्रीड करा, फिर ब्रीड करते करते यहाँ तक पहुँच गए। सो स्पेशली सेंट बर्नार्ड क्यों, मतलब कि क्या कोई शौक था या वैसे सिर्फ जायंट डॉग्स क्या थोड़ा सा कह सकते हैं? नहीं, मेरे को जायंट डॉग बहुत पसंद है, मतलब कुछ है, भी हो, कोई भी जायंट ब्रीड हो। हाँ, बट इसमें मेरे को इसलिए ये क्योंकि इसमें मतलब फर है और फर ही मेरे को बहुत पसंद होते हैं। तो इसका मतलब ग्रूमिंग में तो फिर कहीं कहीं सालों घंटे लग जाते होंगे, है ना? जी जी बिल्कुल लगते हैं, टाइम तो बहुत लगता है, बट इनको प्रॉपर ग्रूम करके जब आप रिप्रेजेंट करो एंड बीइंग अ गर्ल, अगर आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो जाएं हाँ, तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, जो लड़कियां होती है पाजी स्पेशली, उनको एक फुत तो सजने सवरने का शौक है ही, साथ साथ जो उनके डॉग्स होते हैं वो हमेशा सजे सवरे ही मिलते हैं। हमारे वाले डॉग्स जो होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, कभी नहला दिए, कभी डालिए, कभी टहलाए। सो भाभी अगर मैं बात करूं इसकी ग्रूमिंग की, और ये कितना टाइम का होगा? पहले अगर मैं बड़ी की बात करूं, बड़ी बहुत ज्यादा जायंट है गाइस, कितना साइज होगा इसका, क्या कुछ आइडिया अंदाजा? ये हाइट में 32-33 इंच टॉल है। वाओ, और ऑलमोस्ट 7 इयर्स का डॉग है ये। अच्छा, क्या बात है। और इसका वेट कितना होगा? ये 70 के करीब है। 70 के करीब, मेरे से थोड़ा सा कम है बस। मेरे से थोड़ा सा कम है, मेरे बराबर है ये। वाओ यार, और ये ब्रीड भी मैंने ही करा था इसे। भूपिंदर सिंह है उनकी लाइन के, मतलब इसका जो ग्रैंडफादर है अमेरिकन इम्पोर्ट था बेरी। ओके, तो उन्हीं के लाइन का ये बच्चा है। तो इसको डॉग शोज में कभी लेके गए हैं आप? हाँ, इस बार हमने करा था इसे करनाल में, बहुत टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट कहीं ऑलमोस्ट अभी लगा लो 2 महीने पहले, 7 साल का होने वाला है। अच्छा, और 4 रिंग में शो किया, चारों रिंग में एक एक सीसी लगा, क्यों नहीं लगेगा, और वहीं पे चैंपियन बन के घर पे आ गए। वाह यार, हेलो कैसे हो? वाह, सो अगर मैं बात करूं, ये लॉन्ग कोट के अंदर है स्पेशली, तो इसको ग्रूमिंग में कितना टाइम लगता होगा? इसको लग जाते 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे ग्रूमिंग में? डेली करते हैं या कैसे, ग्रूमिंग क्या शेड्यूल रहता है आप इसका? ग्रूमिंग स्लीकर हमें मारना है वो तो डेली मारेंगे, लेकिन जो शो ग्रूमिंग रहती है वो तो हम शो के पास में जाके करते हैं, ताकि नॉट्स नहीं रहे, टैंगल्स नहीं रहे, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए स्लीकर रोज करना पड़ता है। तो अभी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, आपने अब तक कितने डॉग जो हैं वो मतलब एग्जिबिट किए हैं शोज में, ऑलमोस्ट कोई आइडिया? एग्जिबिट मैंने काफ़ी करे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेरे पर्टिकुलर पहचान बने हैं, मेरी फीमेल्स हैं FCI में विन करके आई हैं। वाओ, और मेल है ये मैंने करे हैं, और एक मेल मेरा और है मोगली, वो भी खुद की ब्रीडिंग है। अच्छा, तो वो सब करे हैं मैंने, करे हैं 8-10। तो ऑलमोस्ट कितने अभी सेंट बर्नार्ड कितने आपके पास? मेरे पास है 8-10 सेंट बर्नार्ड। वाओ यार पाजी, मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि एक मेहनत का काम ना अकेले नहीं किया जाता, एक
हेल्पिंग हैंड जो आपका जैसे कैनल बॉय हम जिसको कहते हैं या जो भी है वो उसका बहुत साथ रहता है। तो मैं चाहूंगा क्यों ना हम आपके जो आपके यहाँ पे जो हेल्पिंग बॉय हैं आपके उनको भी मिलवाएं। बिल्कुल उसे जरूर मिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी वो लेके आ रहे हैं, अभी दूसरा सेंट बर्नार्ड दिखा रहे हैं, बच्चा है वो 10-11 महीने का, इनकी खुद की ब्रीडिंग का। वाओ, उसका हेड ग्रोथ देखना मतलब अल्टीमेटली मतलब बहुत ही अच्छा बनेगा मोर देन दिस। मैंने ना एक चीज देखी है, जितनी फीमेल्स होते हैं मोस्टली शिट्ज़ू ज्यादा पसंद करते हैं लॉन्ग ब्रीड में, तो मतलब वो शिट्ज़ू वाला क्रेज क्यों नहीं आया? मतलब बहुत स्ट्रेंज है और बहुत अच्छी बात है यार, एक मतलब पाजी की भी पर्सनैलिटी ऐसी है, खतरनाक खतरनाक डॉग रखने वाले। ओए हाँ वाह यार। सो भाई भाभी मेरे को थोड़ा सा ना मैं चाहूँगा कि आप एक आइडिया दे कि अगर किसी एक इंसान के पास सेंट बर्नार्ड है या फिर वो प्लान कर रहा है और वो लेता है, उसको ग्रूमिंग का कोई आइडिया नहीं कि सेंट बर्नार्ड को नॉर्मल ब्रशिंग भी कैसे करनी है, तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करें कि अगर नॉर्मल भी ब्रशिंग करनी है एक सेंट बर्नार्ड को या किसी भी एक बड़े जायंट डॉग को, तो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या वे होना चाहिए? ओके गाइस, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है नॉर्मल एक जो ब्रशिंग पैटर्न होना चाहिए वो कैसे होगा। पर थोड़ा आइडिया दे भाभी, अगर कोई भी बड़ी ब्रीड में हमने ब्रशिंग करनी है तो। जी, पहले तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें अगर हम रेगुलर कर रहे हैं फिर तो हम स्ट्रेट वे में करते जाएं, और जो हमें डेड हेयर निकाल रहे हैं तब हम इसको रिवर्स में कॉम करते हैं एंड देन वापस से सीधा स्लीकर कर देते हैं कि डेड हेयर भी निकल जाए और कोट भी अच्छा रहे। सो अपन लोग इसको पहले सिंपली ऐसा रिवर्स में ही करते हैं, ठीक है? अगर कुछ भी टेंगल्स रहेगा तो डेफिनेटली निकलेगा। तो अगर कोई भी ये हर ब्रीड पैटर्न के लिए यही सेम हमें करना चाहिए हर ब्रीड के लिए, मतलब लॉन्ग ब्रीड जितनी भी रहेगी उसमें लॉन्ग हेयर, चाहे वो हस्की है चाहे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लॉन्ग हेयर के अंदर टैंगल्स की, टैंगल्स को निकालने के लिए रिवर्स में करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम रेगुलर ब्रशिंग रखते हैं तो जो शेडिंग की एक दिक्कत जो घरों में मतलब बहुत ज्यादा बाल गिर रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं ना, 80% कवर हो जाता है आपके ब्रश में ही रह जाता है। वो ब्रशिंग का तो ऐसा होता है ना कि ब्रश से जब बाल निकालना इजी है, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं गुच्छा टाइप निकलता है, उसको हम बाहर फेंक सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, अदरवाइज इनके बाल ऐसे उड़ते रहेंगे वो सोफाज पे बेड पे अलग अलग जगह लगते रहते हैं। देख बहुत मेहनत का काम है, इस अकेले को ब्रशिंग करने में कितना टाइम लगता है अभी? इसको लग जाएगा हाफ एन आवर अगर हम सिंपल। ओह माय गॉड, अभी सिंपल पंगा लेना है तो, और जब कोई पंगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग शो वाला लेना है, ग्रूमिंग करते हैं पहले बात देके 1-1.5 घंटा इसको ड्रायर से सुखाने में लगता है, फिर इसको जाके हम कॉम करते हैं, ब्रश करते हैं इसकी कोट को, फिर लोग पूछते हैं कि ये अली ब्रीड इतनी महंगी क्यों होती है। ये चीज लोग पूछते हैं कि ये डॉग ब्रीड इतनी महंगी, पपी इतना महंगा क्यों सेल करते हैं आप? जी, जी। तो लोगों को ये मेहनत नहीं दिखती कि उसको ब्रीड करने में कितना मुश्किल है और अच्छा ये ब्रीड है गर्मी में रहने वाली और इसको यहाँ पे रखना एक थोड़ा सा सर्दी में रहने वाली और इसको यहाँ पे रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता ही है, बिकॉज इसको प्रॉपर एसी हर एक चीज चाहिए है ना। हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि हम यहाँ पे भी सर्दी वाली फीलिंग दे देते हैं इनको। बिल्कुल, पर वही वाली बात है, हर एक चीज का एक एक्सपेंस होता है, एक टाइम एक मेहनत जो इंसान मांगता है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनली हम कैसे किया जाए। बिल्कुल, वो चीजें हमारे को लगता है कि जो ऑडियंस उसको थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, राइट? रखना चाहिए जी, क्योंकि अच्छी ब्रीड जो कोई ब्रीड कर रहा है पहली बात ऐसी ब्रीडिंग को मेंटेन रखना, इसकी कोट को मेंटेन रखना बहुत यार सी इसका फेस देखो, डॉग चैंपियन है, इसका इतना बड़ा सिर है, बहुत सारे सेंट बर्नार्ड मैंने देखे हैं जो सिर्फ साइज में बड़े होते हैं बट उनका हेड फेस वैसा नहीं है, उनके बोन स्ट्रक्चर वैसे नहीं है, ये तो प्रॉपर चैंपियन है और वो भी चार बार में चैंपियन बन गया है। चार रिंग, चारों रिंग में सीसी, चारों रिंग में बीओबी, अच्छा दो दिन के अंदर चैंपियन, दो दिन में डॉग चैंपियन। और कंपटीशन भी था, ये नहीं कह सकते कि अकेला डॉग घूम रहा था। हाँ, सीसी के लिए कंपटीशन नहीं, नहीं सेंट बर्नार्ड में बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े डॉग्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, अपने डॉग्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं ट्रेनिंग का, बहुत सारी चीजें होती है जो एक डॉग को चैंपियन बनाने के लिए लग जाती है, राइट? और ये लड़का खतरनाक भाभी की मेहनत कह सकते हैं आप दोनों की। ओके गाइस, अभी जो है मैं आपको इनका ट्रॉफी रूम दिखाता हूँ, और ये ट्रॉफी रूम नहीं है, ये ट्रॉफी वाला बेडरूम है, मतलब यहाँ बेड है और प्रॉपर ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज है। तो ऑलमोस्ट पाजी कभी गिनी है कितनी ट्रॉफीज होंगी ये? एक्चुअली नहीं, बीओबी आरबीओबी और ग्रुप्स वगैरह तो सारे अभी तक बॉक्सेस में पैक हैं, वो बहुत कम रखे हुए हैं। और सीसीज का तो अगर आप कहीं लगाने लग जाए तो फाइल्स ही फाइल्स रेडी हो जाएंगे, है ना? सीसी बीओबी ग्रुप, वाह कुछ देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, और इधर मैं ऊपर ऊपर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग रिंग के अलग अलग बिनिंग बीओबीज, तो
कोई आइडिया नहीं है, मतलब 500 से तो प्लस ही लग रही है मुझे। मेरी काफी लाइनअप की ट्रॉफीज निर्मल के पास भी पड़ी हैं चंडीगढ़ में, उसके पास क्योंकि जगह नहीं है तो जितना डोबरमैन के लाइनअप है सारे निर्मल के पास ही। वाह यार, कि मैंने कहा बच्चा भी तू ही तेरे ही है, बच्चा भी तू तैयार कर रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है किसी की ट्रॉफी की शॉप में आ गया। ट्रॉफीज के साइजेस अलग अलग पड़े हैं, किसी ने कुछ खरीदा हो तो। इधर कुछ BOBs भी है। वाह यार, इधर देख सकते हो स्पेशली बेस्ट इन शो भी है इधर, बहुत बड़ी बेस्ट इन शो की ट्रॉफी है। बिल्कुल, तो इसमें से कुछ आपकी हैं, कुछ भाभी की हैं। हाँ जी, ये ज्यादातर फॉक्स टेरियर, सेंट बर्नार्ड और डोबरमैन्स की हैं। सेंट बर्नार्ड की तो आप कह सकते हो सारी फिर भाभी की होंगी। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ब्रीड किया नहीं, उसी ने किया था। क्या बात है यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा एक अमेजिंग बच्चा जो है सेंट बर्नार्ड का, कितने टाइम का होगा भाभी? ये 10 months। ओके गाइस, तो ये जो है अभी हमने दिखाया था एक बहुत बड़ा डॉग ऑलमोस्ट 7 years का, और अभी ये है, इसका नाम क्या है? रेहान। और मैं थोड़ा सा पाजी को भी चाहूंगा, अभी हम इंट्रोड्यूस कराया, हमने पाजी का भी जिक्र किया था वीडियो के अंदर। क्या नाम है पाजी आपका? सर विनीत। विनीत, विनीत। हाँ जी। तो विनीत भाई, आपको कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट डॉग्स के साथ रहते हुए? मेरे को तो अभी ज्यादा टाइम हुआ नॉर्मली। तो आपको कैसा लगता है, डॉग से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह यार, प्यार है, प्यार करते हैं डॉग लवर। क्या बात है पाजी, डॉग लवर है यार। ये सबसे मेन चीज वही होती है, इंसान डॉग तभी रख पाता है, या फैमिली अगर डॉग लवर हो तभी एक अलायंस होती है ना। तो भाभी मैं एक चीज जानना चाहूंगा स्पेशली डॉग की डाइट के बारे में, जो कि सेंट बर्नार्ड मुझे पता है वन ऑफ द जायंट ब्रीड है, बहुत ज्यादा खाती है। ये चीज सबको क्लियर कर दूं, कोई सोचे कि हाँ छोटा सा पोर्शन से इनका काम चल जाएगा, इनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा डाइट लगती है। तो आप कितने पोर्शन में डाइट देते हैं? 2 times देते हैं, 1 time देते हैं? 2 times इनको डॉग फूड जाता है। ओके। और साथ में चिकन जाता है, जो कंपलसरी इनके लिए जरूरी है, इनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लीमेंट्स सब हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 बार में ही। तो जब हम एक छोटा सेंट बर्नार्ड का पप्पी लाते हैं तो उसको हमें 2 times ही देना चाहिए, उस टाइम हम 3 times डाइट दें, कैसे दें? क्योंकि पप्पी के टाइम बहुत ज्यादा, स्पेशली सेंट बर्नार्ड को, क्योंकि कभी कभार ओवर ईटिंग की वजह से लूज मोशंस, उल्टियाँ या कोई भी और ऐसी बीमारी होती है जो लग जाती है, जो ओवर ईटिंग से होती है ना। तो थोड़ा आइडिया दीजिए। हाँ, इसमें क्या रहता है कि जो छोटा पपी होता है तो उसका दिन में 4 बार हम करते हैं, लाइक 1 महीने का बच्चा, उसको 4 बार खाना दिया, 2 महीने का हुआ उसका थोड़ा डाइट कम करा, 4 से 3 पे लेके आए। ठीक है, तो 3 महीने तक हम उनको 2 बार तो देंगे ही देंगे, मतलब 3 महीने तक उनको 2 बार कर दो ताकि वो यूज टू रहे फ्यूचर में भी। विद लाइफ टाइम 2 times खाना इनफ है उनके लिए, 1 time पूरी अच्छे से मील और उसके बाद 2 times अच्छे से मील। जी, और उसमें क्या रहता है, आप उनको एक्सरसाइज प्रॉपर दो, अगर एक्सरसाइज नहीं देंगे तो इनके जो और साथ साथ मल्टीविटामिन कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स हमें ऐड करते हैं उसका बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल तो रहता ही होगा, जरूर है ना। तो भाभी अभी 10 सेंट बर्नार्ड है, तो 10 सेंट बर्नार्ड को मेंटेन करना सिर्फ 3-4 बंदों को मिलके डिफिकल्ट तो रहता होगा ना? नहीं, कोई टफ नहीं है, सब बच्चे बहुत वेल मैनर्ड। क्योंकि अभी मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वो भी सेंट बर्नार्ड रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि एक रियलिटी जो डिफिकल्टीज हमें कभी कभी फेस करनी पड़ती है वो जरूर आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं। मेन प्रॉब्लम हमें सबसे पहले होता है जब भी हम सेंट बर्नार्ड खरीदते हैं ना, लोग पहले चाव में लेके आते हैं कि नहीं ये टेडी बियर है ऐसा है तो रख लेंगे, तो थोड़ा बड़ा होता है, मेरे पास कॉल आती है कि नहीं हमने सेंट बर्नार्ड लिया था हमें सेल करना है, तो ये मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं होती कि हमें बच्चा क्या है तो उसको सेल करना है। हाँ। क्योंकि मेरी कंडीशंस होती है कि बच्चा शो करो ना करो लेकिन फॉरएवर होम चाहिए उसको। हाँ, ऑब्वियसली वो ये कंडीशन जरूरी है, बिल्कुल, वो उसके बिना मैं बच्चा नहीं सेल करती। और ब्रीड करना बहुत, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए आप नहीं सजेस्ट करोगे ब्रीड? फर्स्ट टाइम डॉग पेरेंट्स के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो जिसने पहले सेंट बर्नार्ड रखी हो या कोई बड़ी ब्रीड रखी हो वो सेंट बर्नार्ड में स्विच करना चाहता हो, और जगह हो स्पेशली, है ना, किसी के पास एक अच्छा फार्म टाइप या कोई भी आपके सेटअप हो तो तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस ब्रीड के अंदर आए। बाकी जो इंसान अगर सेंट बर्नार्ड रखना चाहता है उसे कोप अप करना पड़ेगा ड्रूल के साथ में और कोट शेडिंग के साथ, कोट शेडिंग और वो दो चीजें। फिर इसका मतलब कि स्पेशियस ब्रीड है, स्पेस ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली अगर आपके पास स्पेस ज्यादा तो अगर ड्रूल भी कर रहा है या अगर शेडिंग भी हो रही है तो शायद आपको फर्क ना पड़े। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, शायद आप देख पाए कपड़ों के ऊपर, अभी अभी हम मैं इसके पास नहीं लगाऊ, अभी सिर्फ इसको भाई का चेक कर रहा है। ये देखो, तो ये कुछ हालत रहती है अगर आप सारी ब्रीड सेंट बर्नार्ड या और भी कोई लॉन्ग कोट ब्रीड के साथ रहे। तो मैं चाहूंगा भैया एक बार हमारे को आप वो डॉग फीड भी दिखाएं जो आप बता रहे थे कि आप अभी फिलहाल अपने सारे बच्चों को दे रहे हैं। मैं नियरबाउट 2 साल से ये फूड यूज कर रहा हूं जब से पंजाब में लॉन्च हुआ है। ओके, विनर प्लस जर्मन का फूड है एक्चुअली। ओके,
ये स्टार्टर है जो हम देख रहे हैं, ये स्टार्टर पैकेज के लिए या वेल्पिंग मदर्स के लिए जिन्होंने दूध देना है या बच्चे देना। अच्छा, हर एक डॉग की हर एक कंडीशन के लिए अलग डॉग? बिल्कुल जी, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन करके रखना है, अपने घर पे रखना है एज ए पेट रखते, तो हंटर स्पोर्ट सबसे बढ़िया डॉग है, एडल्ट फूड है एडल्ट डॉग के लिए। ठीक है, परफॉर्मेंस है सिर्फ शो क्वालिटी के लिए। ठीक है, शो क्वालिटी बच्चा तैयार करना है, स्किन कोट भी अच्छी चाहिए, मसल्स भी अच्छे चाहिए। वैसे वो भी दे सकते हैं अगर हम चाहें अपने, वो आपके डिपेंड्स पे, अपने बजट के ऊपर है, सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली जो जितने भी डॉग फूड है शायद हम विद टाइम जो है हमारी जो वेबसाइट है thecanofila.com उस पर भी अपलोड करें, और वहां से भी आप, हम ट्राई करते हैं बाजी कि इसको हम वेबसाइट पे भी लाएं ताकि ऑडियंस ये डॉग फूड इजीली ऑर्डर कर सके और इजीली उनके घर तक ये चीज पहुंच सके, और बाकी इसको मैं भी ट्राई करवाऊंगा अपने डॉग्स। बहुत अच्छे अच्छे फूड है मार्केट में, नो डाउट, पहले से बहुत बड़ा ब्रांड नेम बना हुआ है, हम नए फूड। दिस इज इंडियन डॉग ब्रांड और जर्मनी? ओके, जर्मनी से डायरेक्ट इम्पोर्ट हो, कहता है पूरा बैग वहीं से इम्पोर्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, हो रही है वहीं से पैक होके आया है एक्चुअली। वाह यार, ये चीज तो और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर एक ऑथेंटिसिटी जो रहती है, क्वालिटी क्लियरेंस रहती है, वो सारा मेंटेन रहता है, राइट? ठीक है भाजी, थैंक यू सो मच भाजी। सो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है मेक श्योर हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।